बैगेज का वेट करें और किसी ने ना अपना सैंडविच चेक इन कर दिया है। चलो गाड़ी तो आ गई, ये रही। ओ लुलु लुलु, असली सुकेश ये है। हाउ मेनी पीपल इट टेक्स टू गेट वन बाइक अप? आई थिंक 4। ये है लाउंज का प्राइवेट रूम। यस, दिस इज अ प्राइवेट रूम। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार, क्या बात है। लाइटनिंग मक्वीन मिल रही है यहाँ पर। और ये ओ गॉड, 4GT स्पाइडरमैन वर्जन 7-8 हज़ार की टोयोटा सुपरा। क्या मतलब लूट मचा के बैठे हुए हैं ये लोग सच में। लेकिन ये गजब की चीज है यार, वाओ। अच्छी बात ये है कि ये 737 है लेकिन मैक्स नहीं है। वेलकम टू मुंबई। और पता है टैक्सी में इतने टाइम पका के रखा ना इन लोगों ने, बोले 777 आगे अटका हुआ था। ये ब्रिटिश एयरवेज का 777 तो पहले ही पहुंच गया था। ये कौन अटका हुआ था मैं बताऊँ कौन? ओमान एयर ना, कोई भाव नहीं देता, इसलिए बहुत ही टाइम लगा इन लोग, साले टाइम वेस्टर। ये प्लेन मुझे दे दो, ठीक है, खड़ा है कब से, मैं पार्क कर लूँगा अपने घर पर। बैगेज का वेट करें और किसी ने ना अपना सैंडविच चेक इन कर दिया है। ये सही बात है एक्चुअली। ये देखो बक लाइन देख रहे हो, ये यहाँ से एग्जिट करने के लिए कस्टम वाली। एक ट्रिक बताता हूँ, एयरपोर्ट पे हमेशा अर्टिका बुक करो क्योंकि वो हमेशा खड़ी रहती है, वेट नहीं करना पड़ता। मुंबई तो पहुँच गया हूँ लेकिन ये गाड़ी मैं बिल्कुल नहीं चलाऊंगा, इसमें बहुत डस्ट आ गई है ना, इसके से मुझे डस्ट एलर्जी हो गई है। चलो काइगर को मूव करते हैं। और प्रॉब्लम क्या है ना, इस गाड़ी की अंदर कुछ तो स्मेल आ रही है इसकी वजह से। ओके, स्मेल नहीं है, डस्ट है। मुझे डस्ट की बहुत एलर्जी हो रही है, खांसता फेंकता मैं करके, इसलिए मैंने डिसाइड किया मास्क पहन के इस गाड़ी को यहाँ पे कर देते हैं, भेज देंगे फिर। और अब मैं चलाऊंगा ये वाली गाड़ी, स्कोडा की कुशा, क्योंकि ये तो यहाँ पे पार्क थी, मुझे पता ही नहीं था। पता चलो चलो चलाते हैं। गुड वाली मॉर्निंग हो गई और हम चला रहे हैं स्लाविया की बहन कुशाक 1.5, लेकिन आज इसका शूट नहीं करें। आज इस कार का शूट करें ना, एकदम बम गाड़ी है। वर्ल्ड की फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक कार है, द फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक कार इन द वर्ल्ड। उससे पहले थोड़ा चाय पानी हो जाए। सुबह सुबह एक जगह नहीं खुली, सिर्फ एक ही जगह खुली है एक्चुअली। चलो गाड़ी तो आ गई, ये रही। ओ लुलु लुलु, ये गाड़ी में जो जो फीचर्स है ना, मतलब एकदम अतरंगी। इसमें 7 कैमराज लगे, 6-7 तो कैमराज लगे हुए हैं, लाइडर के सेंसर्स लगे हुए जो बाहर ऐसे आते हैं। 23-inch व्हील्स, क्या लाइट शो करती है, मतलब अलग लेवल टेक्नोलॉजी। ऊपर देखा है वहाँ पे भी लाइडर का सेंसर, पागलपन है यार। इलेक्ट्रिक में आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कार आई हैव एवर ड्रिवन इन माय लाइफ, अमेजिंग। एंड मिस्टर धनिल इज हियर, व्हाट्स अप ब्रो, नाइस हेलमेट, नाइस बाइक। I stand and shoot such cars. Nice. पागल गाड़ी, पागल मतलब ऐसा कुछ सोच ही नहीं सकते गाड़ी में हो सकता है। सभी उल्टा पुल्टा करके बैठे हैं लोग। ये क्या चाइनीज गाड़ी में है? वैसे टेक्निकली ये वाली भी चाइनीज ही तो है। I can't wait to ride this bike, bro. Sounds mad. Looks mad. चाइनीज कार किक्ड इन यो। ये बताओ शादी तो होगी, बच्चा कब कर रहे हो? क्या हंसने का नहीं भाई, हंसने का नहीं, बताने का चुपचाप से। बहुत ही टाइम लग रहा है शूट में आज, इतना कि मुझे एक पूरी मतलब पानी की डब्बा उठाना पड़ा। सुबह के 6:30 से शूट पर हूँ और अभी भी शूट खत्म नहीं हुआ। 2 बज चुके हैं। ड्राइविंग व्लॉग, बाकी कितनी सारी चीज़ें बाकी है। एक दिन में शूट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, लेकिन आज हम नामुमकिन को मुमकिन करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अच्छी है चाबी यार, ये तो MG कॉमेट जैसी निकली। स्ट्रगल इज रियल यार, सनरूफ के बिना कितना डिफिकल्ट हो जाता है शूट करना, बिकॉज सर पे रहता है ना, तो कैमरा हिलता रहता है, इधर उधर झूलता रहता है। एंड फिर उसके बाद आई मीन हीट भी काफ़ी, जबकि टुडे वेदर इज सो गुड, फिर भी कैमरा शट 4 टाइम्स बिकॉज ऑफ द हीट। आज ही GoPro को टट्टी नहीं करना था और उसने कर दिया, पता है, क्योंकि कैमरा मूव हो रहा है और हीट हो रहा है। आई मीन ऑब्वियसली हीट हो जाता है। आई थिंक 12 में हीटिंग कम है, लेकिन ये काफी ज्यादा हीट हो गया, जो हीट की वजह से ना बार बार बंद हो रहा था यार। आज मजा नहीं आया इतना। बाय द वे, आप इनसे मिले हो? यू नो सुकेश, असली सुकेश ये हैं। तो जेल में वो तो बॉडी डबल भेजा इनने। बस मेरे और सुकेश में एक ही फर्क है, वो लड़कियों का प्रेमी था, मैं लड़कों का प्रेमी हूँ। तो अब क्यों काट रहे हो बताओ? Why are you gay? घर से सुबह 6:30 निकला था और अभी बज रहे हैं 10:15। पूरे दिन बाहर ही हूँ और ये मुझे देखिए GLS यहाँ पे, जिसपे अलग सा ग्रिल लगा हुआ है। आज इतना हेक्टिक था और कल भी हेक्टिक होने वाला है, मतलब कल सुबह जल्दी उठना पड़ेगा अगेन। वीकेंड की तो बैंड बच जाती है। नेक्स्ट डे गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है, टाइम टू गो फॉर अनदर शूट। हमारी दूसरी गाड़ी आ गई है, तो अब हम कुशाक नहीं, हम चलाएंगे अपनी कंपस। यस, एंड होपफुली इस बार इस कार में कुछ इशू ना हो जैसे लास्ट टाइम हुआ था। तो इस बार ये ट्रेल हॉक नहीं है, बट बेटर कंडीशन में तो लगी रही है। वो सब तो ठीक है, ये 5.6 किलोमीटर पर लीटर क्यों बोल रही है? क्या भांग पी गया ये गाड़ी? इतनी बुरी माइलेज कैसे होगी इस कार की, पता नहीं। लेट्स सी, होपफुली स्टेबलाइज हो जाए। बट 5.6 किलोमीटर पर लीटर, ये तो कल वाली लोटस से भी ज्यादा पी है। और लोटस में तो इंजन भी नहीं है, सोचो, फ्यूल भी नहीं पीती वो, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रिक है। फिर भी देखो, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कि हम है ना पहले पहुंच गए हैं जिस चीज को हमें शूट करना है। कल भी एक्चुअली पहुंच गए थे। गाड़ी तो बहुत प्यारी लग रही है बाहर से। एंड द बाइक इज हियर, कांग्रेचुलेशंस ब्रो। आई डिडंट सी ओनली इंस्टा, मुझे नहीं पता था कल डिलीवरी ले ली तुमने। अब वो सब चला के ये तो मतलब क्या मजा है इसी में। और हार्ली फाइनली आ गई, कितना टाइम का इंतजार हुआ है। राजस्थान रजिस्टर्ड है यार, ये हरियाणा की है, क्या बात है। एटलीस्ट ये अपने चाकन की है। हार्ली वालों ने भी सिंगल सिलेंडर कर दिया है, BMW ने भी सिंगल सिलेंडर कर दिया है, सब लोग ही डाउन साइज करते बैठे हैं। चलो भाई, एक वीडियो तो खत्म हुआ हार्ली का। अरे ये जैसी बाइक होती है ना, बहुत आसान होती है चलाना, क्यों पता है? कुछ ज्यादा होता नहीं बोलने के लिए। अभी जैसे BMW जैसी बाइक है, उसके लिए काफी स्ट्रेस हो सकता है ना, कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स है, कितना ज्यादा गैजेट्स है, टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह। मुझे कम स्ट्रेस हो रहा है BMW के लिए, क्यों पता है? क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी तो मतलब कैपेबिलिटी नहीं है कुछ याद रखने की। इतनी सारी चीजें कैसे याद रखूँ? पर इतनी टेक्निकल चीजें लोगों को जानना नहीं। पीपल वांट टू नो हाउ इज इट टू राइड। बता देता हूँ BMW कैसी है राइड करने है। चलो चलाते हैं। S1000 किधर है भाई? ये बाइक है ना बहुत, ओह माय गॉड, स्मूथ तो है लेकिन बहुत डिफिकल्ट है चलाने में यार। ऐसा लग रहा है मैं सेकंड फ्लोर पे बैठा हुआ हूँ। तो सीधा हम जंप कर दिए S1000 में और मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट बाइक है चलाने में। ब्रेक पेडल किधर है भाई? इतना नीचे ब्रेक पेडल कैसे दे देते हो तुम? व्हाट अ क्रेजी मोटरसाइकिल यार, सच में। इसकी टेंशन मुझे हो रही आदमी चलाए कैसे, क्योंकि अलग ही लेवल। ऐसा लग रहा है कि मैं बाइक पे बैठा भी नहीं हूँ, इतना ऊपर बैठा हुआ ना। काफी वियर्ड है पोजीशन राइडिंग की, बट कोई नहीं, वी विल गेट यूज्ड टू इट। सो फट से इसका वीडियो खत्म करते हैं। बहुत थक गया हूं मैं रिसेंटली इतने सारे वीडियो शूट करके ना, बैक टू बैक। तो अभी ये प्लान है कि इसको खत्म करो और कैसे लॉन्च करूंगा, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं लॉन्च कैसे करूंगा। ये बाइक में इतनी ज्यादा पावर है ना, ब्रेक्स काफी शार्प है, बहुत शार्प है, अलग ही लेवल की बाइक है। कितनी प्राइस है मैं भूल गया, मुझे कुछ याद नहीं। मुझे सब जो प्रिपेयर किया था ना, ऑल एवरीथिंग आउट ऑफ द विंडो ऑलरेडी, वो ऑफ हो जा। Few moments later. ये बाइक चलाओ ना, फट के हाथ में आ जाती, बिकॉज ये देखो भाई, फर्स्ट ईयर में 155, ओह माय गॉड क्या परफॉर्मेंस है। पागलपन है ये मोटरसाइकिल। चाहिए बाइक, चाहिए बाइक, चाहिए बाइक। एब्सोल्यूट इन फ्रीकिंग सेन। कैमरा ना थोड़ा बहुत हिल गया था, ऐसे ऊपर नीचे हो गया था, मुझे लगा ना ठीक से सेट नहीं हुआ, मुझे लगा हवा की वजह से हो गया। अभी चलो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, तो ग्लव्स मैंने अपने छाती के अंदर रख देता हूँ एंड बाइक को पार्क कर देते हैं। मजा आ गया है, बट बहुत ज्यादा ही पावर है। मैं सोच रहा हूँ ना ZX4R सबसे बेस्ट है, 80 हॉर्स पावर है, यूजेबल है, एंड सबसे खास बात ये है कि वो भी इनलाइन 4 सिलेंडर है। भाई तू रुक जा, तू उधर मत देख, इधर देखा। चलो खत्म हो गया शूट। शायद हैदराबाद में मैं Audi TT शूट करूं, वो मेरी प्लान है। अभी मन नहीं कर रहा, सोच रहा हूँ थोड़े दिन थोड़ी हल्के से लेके वेकेशन ले लूं। बहुत ज्यादा हेक्टिक हुआ है, सोने को नहीं मिल रहा, 3-4 घंटे सो रहा हूँ रोज, भूख लग रही, कुछ खाया नहीं सुबह से, ऑलमोस्ट 11 बज रहे हैं। बट एटलीस्ट सबको तो उठा दिया मैंने। मैं उठाऊंगा तो तुम लोग क्यों सो रहे हो, तुम लोग भी उठ जाओ। देखो भाई अपने हट के बोलता है तू चले जा, इंडिकेटर दे दिया। मुझे बाइक इतनी पसंद आई, मैं सोचा खरीद लूँ, लेकिन मैंने रियलाइज किया दो प्रॉब्लम है। एक तो मैं चला नहीं पाऊंगा, मेरी तो औकात ही नहीं है इस गाड़ी की कोई भी पावर यूज करना, 10% के ऊपर तो मैं यूज ही नहीं कर पाऊंगा। एक तो वो प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम है कि मेरे पास पैसे नहीं है बेटा लेने के लिए। तुम लोग लाइक भी नहीं करते, लाइक करने से पैसे नहीं आते, लेकिन फिर भी लाइक तो कर दिया करो ना। एटलीस्ट वो संतुष्टि तो होती है कि करेंसी नहीं मिल रही, तो एटलीस्ट लाइक की करेंसी से खुश हो जाओ। अब इस बाइक में थोड़ा बहुत इशू है, क्या हो रहा है ना, एक सेकेंड सबको उठाते, उठ जाओ बेटा। लोगों का तो पता नहीं, मैंने कुत्तों को जगा दिया भौंक रहे हैं कब से। और ये टाटा की ये योद्धा आई है ना, एक्चुअली बैटरी खत्म हो गई थी गोप्रो की, 2 वीडियोस जो शूट किए ना करते करते बैटरी खत्म हो गई। तो मैं ये बोल रहा था रैप करने के बाद कि इस बाइक को हम चढ़ा रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ इशूज़ आ गए तो ड्रॉप करने की प्लान नहीं है। तो यहाँ पे मिस्टर धनेल इज हियर, ही सेज दैट्स व्हाट शी सेड। किधर से ली शर्ट? मस्त है। तो ये भाई क्या वेट कर रहे हैं? ये किधर पुणे जाएगी? पुणे भेजेंगे? अच्छा तो धन, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, व्हीली मारते मारते अंदर नहीं इतना नहीं करना। अच्छा चढ़ा के हाथ से लेके जा रहे हो? चलो मैं भी पुश कर देता हूँ। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को भागल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज। हाउ मेनी पीपल इट टेक्स टू गेट वन बाइक अप? आई थिंक 4। मुझे लगा कोई X7 आएगी उसके अंदर डाल के लेके जाएंगे ये तो अलग ही लेवल जुगाड़ है। अभी इसको बांध देंगे यहाँ से। तो यहाँ से बाइक लॉक कर दी फ्रंट से ही, टायर की तो बैंड बजने वाली है, मतलब ऐसी लॉक है। ये देखो फुल्ली स्टेबल, जबकि रियर में बिल्कुल कुछ नहीं लगाया हुआ है। रियर में भी शायद लगाएंगे, सिर्फ पीछे से नहीं बट साइड से भी बांध दी गई, इसलिए स्टैंड नहीं लगाया। ठीक है भैया, थैंक यू। बिल्कुल नहीं हिलता, एकदम स्टेबल। तुमने सुबह से पूछा बच्चा कब कर रहे हो? अब तो शादी हो गई, अब तो लाइसेंस मिल गया भाई को। इतनी भूख लग रही थी ना कि हम लोग सीधा आगे खाना खाने, और ये दोनों लोग गायब हो गए पता नहीं कहाँ। भाई ने थार ले ली लेकिन चलानी नहीं आती। ये सर्कल मतलब डोनट मारने की कोशिश में कर रहा है, डोनट आते नहीं उसको। ओहो हो, माई बाग देखिए क्या लगती है ये गाड़ी, सेक्सी। 64,000 फॉर दिस शिट।